Dear students, welcome to you at online tutorial classes of CMJ Institute of Education. Today we teach the chapter class 8, chapter 1, rational number, subject math, part 5, yani fifth video. Today we teach division of rational number. आज हम लोग पढ़ेंगे division of rational number. सबसे पहले division of rational number को a by b divided c by d, which we write a by b into d by c. जब डिवाइड करते हैं उसके बाद डिवाइड के किसके बाद उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवाइड के सिंबल के बाद जो रेशनल नंबर आता है उसको उसका रेसिप्रोकल लिख देते हैं, यानी अपोजिट लिख देते हैं. ठीक है. When a by b is divided by c by d, then a by b equal to the dividend is called the dividend c by d is called the divisor and the result is and the result known as quotient. यानी a by b divided c by d जब divide करते हैं उसको divide के बाद उसका जब multiply करते हैं तो जो divide के symbol के बाद जो भी rational number होता है वो क्या हो जाता है, उसके अपोजिट लिखते हैं, उसके रेसिप्रोकल को लिख देते हैं. और तब व्हेन ए बाय बी इज डिवाइडेड बाय सी बाय डी, अगर ए बाय बी को हम सी बाय डी से डिवाइड करते हैं देन ए बाय बी इज कॉल्ड द डिवाइडेंड. ए बाय बी को क्या कहेंगे, डिवाइडेंड. सी बाय डी इज कॉल्ड द डिवाइडर एंड द रिजल्ट इज नोन एज ए क्वाड्रेंट. रिजल्ट जो आएगा डिवाइड करने के बाद उसको क्या कहेंगे, क्वाड्रेंट कहेंगे. एज में देखिए 3/4 डिवाइडेड 5/8, द 3/4 इंटू 8/5, 4 से 2 बार में 6/5 आएगा. हियर 3/4 इज डिवाइडेड, 3/4 क्या हुआ, डिवाइडेंड हुआ. एंड 5/8 इज द डिवाइडर. 5/8 क्या हो गया, डिवाइडर हो गया. उसके बाद रिजल्ट हम लोग को क्या मिला है, 6/5, यानी रिजल्ट इज 6/5 इज द क्वाड्रेंट. 6/5 क्या हो गया, क्वाड्रेंट हो गया.